मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के इन 13 जिलों के कलेक्टरों के किए तबादले। दोस्त स्वागत है आपका एमपी न्यूज लाइव में और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त कुलदीप पांडे। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मध्य प्रदेश के इन 13 जिलों के कलेक्टरों के किए गए तबादलों के विषय में। क्या है पूरी जानकारी, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दर्शकों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में प्रशासनिक सर्जरी जारी है। एक बार फिर राज्य प्रशासनिक सेवा वाले अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। नगरीय निकाय चुनाव से पहले सामान्य प्रशासनिक विभाग ने तबादले की लिस्ट जारी कर दी है। इसके तहत 13 अधिकारियों का तबादले किए गए। लिस्ट आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जिसमें कि मध्य प्रदेश में हम नंबर 1 पर हम आपको बता दें कि श्री प्रभाशंकर त्रिपाठी, जो कि संयुक्त कलेक्टर थे सतना जिले के, इनके यहाँ से हटाकर संयुक्त कलेक्टर बना दिया गया है सीधी जिले का। इसी के साथ श्री अवनीश रावत, जो कि संयुक्त कलेक्टर थे जिला छतरपुर के, इन्हें यहाँ से हटाकर संयुक्त कलेक्टर बना दिया गया है दमोह जिले का। श्री संतोष कुमार चंदेर, जो कि डिप्टी कलेक्टर थे जिला सागर के, इन्हें यहाँ से हटाकर डिप्टी कलेक्टर बना दिया गया है जिला छतरपुर का। अनुराग सिंह, जो कि डिप्टी कलेक्टर थे उमरिया जिले के, इन्हें यहाँ से हटाकर डिप्टी कलेक्टर बनाया गया है अली जबलपुर जिले का। नीरज शर्मा, जो कि डिप्टी कलेक्टर थे मुरैना जिले के, इन्हें यहाँ से हटाकर डिप्टी कलेक्टर बनाया गया है शिवपुर जिले का। शैलेंद्र सिंह, जो कि डिप्टी कलेक्टर थे जिला विदिशा के, इन्हें यहाँ से हटाकर डिप्टी कलेक्टर बनाया गया है सागर जिले का। सुश्री जूही गुप्ता, जो कि डिप्टी कलेक्टर थी शाजापुर जिले के, इनके यहाँ से हटाकर कलेक्टर बनाया गया है, डिप्टी कलेक्टर बनाया गया है राजगढ़ जिले का। श्रीमती विशाखा देशमुख, जो कि डिप्टी कलेक्टर थी जिला धार की, इन्हें यहाँ से हटाकर डिप्टी कलेक्टर बनाया गया है इंदौर जिले का। और इसी के साथ अंत में श्री राहुल चौहान, जो कि डिप्टी कलेक्टर थे खरगोन जिले के, इन्हें यहाँ से हटाकर धार जिले का कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर बनाया गया है। इसके साथ एक और अधिकारियों के तबादलों की लिस्ट जो है प्रशासन विभाग द्वारा जारी की गई है, जिसमें कि मध्य प्रदेश में IAS अधिकारियों के तबादले अभी अभी किए गए हैं, जिसमें कि मध्य प्रदेश में IAS IPS अधिकारियों के तबादले का दौर जारी है, जिसमें आए दिन अधिकारियों को इधर से उधर भेजा जा रहा है। अब एक बार फिर IAS के तबादले किए गए हैं, जिसमें कि लिस्ट आपको स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें श्री जितेंद्र सिंह राजे, जो कि संचालक थे कौशल विकास मध्य प्रदेश के, इनको नई पदस्थापना दी गई है। ये पहले अपर सचिव थे मध्य प्रदेश शासन के। श्री राकेश सिंह, जो कि उप सचिव थे मध्य प्रदेश शासन के, इन्हें यहाँ से हटाकर उप सचिव बना दिया गया है मध्य प्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग का। इसी के साथ लेटर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें आपको नाम है श्री ऋषभ गुप्ता, जो कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी थे जिला पंचायत मंदसौर के, इन्हें यहाँ से हटाकर जो यथावत आदेश क्रमांक के तहत आयुक्त नगर पालिका निगम सतना के पद पर किए गए स्थानांतर को निरस्त कर दिया गया है। इसी के साथ सुश्री तन्वी हड्डा, जो कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी थे जिला पंचायत मंडला की, इन्हें यहाँ से हटाकर आयुक्त बनाया गया है नगर पालिका निगम सतना तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्मार्ट सिटी सतना का।